नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो प्लग पर, जहां पर आपको मिलती हैं आयुर्वेद और आयुर्वेद से रिलेटेड सारी मेडिसिन की जानकारियां। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, उसमें जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उस दवाई का नाम है उशी रासव। ये जो दवाई है ये पतंजलि कंपनी की तरफ से है और दिव्य ब्रांड के अंडर आती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम जानेंगे इस दवाई के बेनिफिट्स, इस दवाई के प्राइसेस, इस दवाई की एक्सपायरी डेट और इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। तो उससे पहले अगर हम वीडियो स्टार्ट करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स को लेकर। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसके फायदे की बात करें, तो अगर आपको कोई समस्या है यूरिन से रिलेटेड, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की समस्या है, तो ये उसको ठीक करता है। उसके बाद कई लोगों को नाक से खून आने की समस्या होती है, तो ये उसके लिए भी कारगर है। पेशाब से रिलेटेड, अगर आपको, जब आप पेशाब करते हैं तो आपको उस एरिया में जलन महसूस होती है, तो ये उसको भी ठीक करता है। साथ में अनीमिया की समस्या हो या फिर स्किन डिजीजेस हो, ये उसके लिए भी बहुत कारगर दवाई है। इसके अलावा आंतों की समस्या के लिए, जैसे कि कई बार आंतों में कीड़े पाए जाते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ही कारगर दवाई है, क्योंकि ये आंतों को भी ठीक करती है। तो अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो ये उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन दवाई है। साथ में कई लोगों को जो पित्त की समस्या होती है, तो ये पित्त को संतुलित कर रखता है आपके शरीर में, और जिसकी वजह से जितनी भी पित्त रिलेटेड समस्याएं होती हैं, ये उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। जहां तक हम इसकी बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो क्योंकि इसमें सारी की सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं 20 से 25 तरह की, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी साइड इफेक्ट्स को लेकर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बिना फिजिशियन से इसको कंसल्ट करें नहीं ले सकते, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी भी नियरेस्ट पतंजलि आरोग्य केंद्र पर जाकर वहां से वैद्य से मिलकर अपनी इस दवाई के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और आप इस दवाई का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दवाई की कुल कीमत है 75 रुपये 450 ml की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दवाई कोई बहुत ही महंगी दवाई नहीं है। इसमें आपकी जो डोसेज है वो आपको लेनी है 1 से 2 चम्मच उतने ही मात्रा में पानी मिलाकर सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने वैद्य से पूछे बगैर ये दवाई कभी ना लें। अगर आपको लगता है कि आपको 1-2 cc लेनी है तो आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में कोई समस्या है तो पहले आप वैद्य से मिलिए और उस उनके अनुसार ही, उनके परामर्श पर ही ये दवाई कंज्यूम करिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है इस दवाई की, वो भी आप देख सकते हैं करीबन 10 साल की है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस दवाई के लिए अगर आपको कुछ समय नहीं भी खानी है, तो आप इसको अपने घर पे रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्सपायरी रिलेटेड समस्या नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।